नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। एक गांव में जब महिला सीट हुआ तो शख्स ने प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए तोड़ी संकल्प रचा शादी। सात फेरे लेते हुए इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें बेरिया तहसील के मूली छपरा ब्लॉक के करण छपरा गांव की हैं, जहां हाथी सिंह के माने तो वह पिछले साल भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर थे, मगर इस बार यह सीट महिला के लिए आरक्षित हो गया, जिससे उनके समर्थक मायूस हो गए और समर्थकों ने ही एक ही दिन में दुल्हन ढूंढ निकाला और समर्थकों के कहने पर उन्होंने बिना मुहूर्त के ही अपनी 25 साल विस्मत प्रतिज्ञा तोड़ी और समर्थकों के कहने पर अपने गांव के ही धर्मनाथ जी मंदिर में 26 तारीख को शादी कर ली, ताकि अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सके। बिना मुहूर्त की शादी इसलिए रचाई ताकि पर्चा दाखिल की अंतिम तारीख 16 मार्च तक ही है। हाथी सिंह की माने तो वह विदेशों में 7 साल तक नौकरी की, मगर जब वह अपने गांव आए तो अपने गांव के विकास को लेकर काफ़ी चिंतित था और उसने अपने गांव के विकास करने की कसम खाई और वह चुनाव लड़ने का फैसला लिया। पेशे बलिया से नवल जी के साथ अखिल सैनी की एक खास रिपोर्ट। परिचय जी, मेरा नाम हाथी सिंह और जितेंद्र कुमार सिंह, ग्राम पंचायत करण छबरा, तहसील बैरिया, ब्लॉक मुंडी छबरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। अच्छा, हाथी सिंह जी, इस बार प्रधान के चुनाव में क्या आप चुनाव लड़ेंगे, क्या है आपकी तैयारी? देखिए, 2015 में मैंने चुनाव लड़ा था, उसमें मैंने दूसरे नंबर पर था। इस बार भी मैंने चुनाव लड़ने के लिए जनता के सहयोग और मेरे भाई दोस्त लोग बोले कि आप सहयोग चुनाव लड़ेंगे तो गांव का विकास हो सकता है, इसलिए मैं जनता के कहने के अनुसार मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, सीट चेंज हुई किस तरीके से? क्या सरकार द्वारा, ये तो था अनारक्षित सीट थी, लेकिन फिर बाद में वो महिला सीट आ गई। अच्छा, तो मेरे दोस्तों और मित्रों और मैं बुजुर्ग नागरिक बन लो ने बोला कि आप शादी कर लीजिए, तो मैंने उन लोगों के कहना को माना, फिर मैंने शादी करने के मूड बनाई। तो अभी आपकी उम्र कितनी है? 38। अच्छा, तो अभी तक आपने शादी क्यों नहीं किया था? मैं संकल्प लिया था कि मैं शादी करूंगा ही नहीं। अच्छा, तो चुनाव में जब चूंकि महिला सीट हो गई इसलिए आपने शादी की? जी नहीं, विकास करने के लिए गांव के जनता और मेरे दोस्त मित्रों के का नाम था कि अब शादी नहीं करेंगे तो फिर इस गांव का विकास नहीं होगा और महिलाएं सीट है, इसलिए मैं गांव के जनता के कहने के अनुसार मैंने ये शादी की, ताकि मेरे जो भी शादी जिससे हो वो आए और प्रधान पद के प्रत्याशी बने और जीते, ताकि उनके द्वारा मैं गांव का विकास करूं। तो यानी गांव के विकास के लिए चुनाव के लिए आपने अपना प्रण तोड़ दिया? जी। तो कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो अपार खुशी है मुझे कि गांव का मैं विकास करूं। जी। गांव के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और वृद्धा पेंशन, विधवा, विकलांग पेंशन, सबका मैं योगदान दूं। तो आपने शादी कहाँ पे किया जो है? शादी मैंने छपरा में एक धर्मनाथ जी का मंदिर है जो चर्चित है, वहीं मैंने 7 फेरे लगाकर शादी की। तो क्या आपने पत्नी से, क्योंकि हर पति जो है अपने पत्नी से कई सारे प्रॉमिसेस करता है, बताता है, तो क्या आपने अपनी पत्नी को बताया कि जो है मैं शादी क्यों कर रहा हूँ? जी, शादी करने से पहले उनके परिवारों को मैं बता चुका था और मेरी पत्नी इससे सहमत थी तो मैंने शादी कर लिया। तो अभी आप जब शादी कर लिए हैं और प्रधानी के चुनाव की तैयारी में भी आप लगे हुए हैं, तो लोगों का क्या कहना है, गाँव के लोगों का? गाँव के लोग बहुत पसंद है, अब वो जो बहुत बधाई दे रहे हैं, गाँव के लोग नहीं पूरे क्षेत्र के लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। शादी करने से जो प्रतिज्ञा किया था मैंने तोड़कर गांव के विकास के लिए मैंने ये काम किया। थैंक यू। स्कूल नहीं है इस नाम से, आए तो कुढ़रे में है। सबसे बड़े गांव के वृद्धा, विधवा, विकलांग लोगों का पेंशन बहुत कम है जो प्रधान द्वारा नहीं किराया गया, वो सब मैंने संकल्प लिया कि सब मैं जब प्रधान पद में हूँगा तो मैं ये करूँगा। तो आपके लिए जो है राजनीति में आना सिर्फ एक मतलब व्यवसाय के तौर पर है, शौक के तौर पर है, या एक तपस्या के तौर पर? एक तपस्या के तौर पर है। मैं 2005 से लेकर 10 तक मेंबर रहा हूँ, वार्ड मेंबर 7 का सदस्य भी रहा हूँ कोटा को। अच्छा, तो इसके बावजूद भी मैंने कोटा को पर कंप्लेन कर गांव के जनता के बीच राशन वितरण भी कराया। तो आप कोई काम करते हैं यहाँ पे या पहले कहीं काम करते थे? नहीं, पहले मैंने 2005 से 10 में मैं मेंबर रहा, वार्ड मेंबर, तो मैं विदेश जाने के लिए मेरा वीजा आया था, मैंने विदेश में दुबई में रहा, इसके बाद बहरीन में रहा, मनीला में रहा, कतर में रहा, मैंने बहुत देशों में 7 साल मैंने रहा। 2014 में आया तो मैंने देखा कि सरकार द्वारा बहुत से पैसा दिया जा रहा है गांव में विकास करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य हो नहीं रहा, पारदर्शिता दिखाई नहीं जा रही। अच्छा, तो मेरा लक्ष्य है कि जब मैं गांव का प्रधान प्रतिनिधि बनूं तो मैं गांव के समक्ष पारदर्शिता दिखाऊं कि गांव में क्या क्या योजनाएं आ रही है, क्या नहीं दिया जा रहा है, यही मेरा लक्ष्य है। तो यानी कि जो आरक्षण में जो फेरबदल हुआ उसकी वजह से आप
को अपने प्राण को तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी जी नहीं सर, पब्लिक ने उनको ये पब्लिक ने मुझे मजबूर किया, मजबूर किया पब्लिक ने मजबूर। मैं फिर लड़ना नहीं चाहता था, पब्लिक ने मुझे मजबूर किया कि आप शादी नहीं करेंगे तो गांव का विकास नहीं होगा। पब्लिक के कहने और मेरे दोस्त मित्र बुजुर्ग नागरिकगण थे, उन्होंने कहने के दबाव में उन्हें शादी किया। थैंक यू। एक छोटा सा दुकान